हेलो वॉन्डरर्स, पहाड़ों का ख्याल आते ही अनु की सबको शिमला, मनाली या इन जनरल हिमाचल की याद आती है। बट वन थिंग दैट यू शुड नो दैट दिस हेवन ऑफ माउंटेन्स स्प्रेड्स वे बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे द क्वीन ऑफ हिल्स, द वैलीज ऑफ उत्तराखंड, जहाँ वील बी समिटिंग द हाइएस्ट पीक ऑफ गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, नाग तिब्बा, AKA सरपंच पीक। So let's not waste any more time and dive right into it, shall we? Morning from the mountains. So this time we'll be doing something different, and I don't think ki ye bahut logon ne kiya hai, a complete vertical travel video. And behind me is the Queen of Hills, mountains of Mussoorie. So abhi to main Dehradun hu, main kal raat ko hi aaya tha. The temperature in Dehradun is fairly less than the temperature in plains, which is Ambala, where I come from. So Ambala se Dehradun tak aane mein it took nearly around what, 3 hours. 3 hours and 15 minutes or so. So 9 बजे निकला था मैं रात को, और 12 बजे आई वाज हियर एट देहरादून। सो देर आर मल्टीपल वेज टू रीच देहरादून, ऑल थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर अवेलेबल। सो एज यू ऑलरेडी नो वेयर वी आर हेडिंग टुडे, नाग तिब्बा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आई होप दिस वीडियो कम्स आउट एंड इट लुक्स फाइन, बिकॉज आई हैवन डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर। सो पहली बार ऐसे शूट कर रहा हूँ कम्प्लीटली वर्टिकल में, सो आई होप comes out really well, and I'll see you at Nag Tibba. Yes, see ya, I'll see you on the देहरादून से 3 घंटे की दूरी पे देयर इज अ विलेज कॉल्ड पंतवाड़ी, फ्रॉम वेयर द बेस कैंप फॉर नाग तिब्बा इज नियर। सो वी लेफ्ट फॉर पंतवाड़ी इन द मॉर्निंग। लोग अभी वहाँ पे जस्ट पंतवाड़ी जो विलेज का नाम है वहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ से नाग तिब्बा का ट्रैक शुरू होता है टू द बेस कैंप। एक्चुअली यहाँ पे हमने एजेंट से ऑलरेडी बात की हुई थी, बट लेकिन यहाँ पे आके पता चला मतलब यहाँ पे सबके डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो बेस्ट वे टू बुक एन एजेंट फॉर द ट्रैकिंग इज यहाँ पे देर यहीं पे पंतवाड़ी विलेज एंटर करते ही ना, यहाँ पे ना सामने के ऐसे गेस्ट हाउस है, पनवार गेस्ट हाउस है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हर एक ट्रैकिंग कंपनी के यहाँ पे बैनर्स वगैरह सब लगे हुए हैं, बट लेकिन यहाँ पे जो ओनर है इस पनवार गेस्ट हाउस के, हमने उन्हीं को बोल दिया कि कोई ट्रैकिंग वाला कोई बंदा है तो देर इज़ अ लोकलाइट, उनका सब कुछ यहाँ पे सेट है। तो उन्हीं से हमने बात कर ली, इस नेम इज़ संजय, एट वेरी मिनिमल प्राइसेस उन्होंने हम तीनों का अरेंज करा दिया है। सो अभी यहाँ से सो देर आर टू ऑप्शन, या तो ट्रैकिंग यहीं से शुरू करें पंतवाड़ी विलेज से बेस कैंप तक, बट एज हम लेट हो गए हैं काफ़ी, 5 बज गए हैं ऑलरेडी, 4:45। तो हम यहाँ से कच्चा रास्ता है 1.5 घंटे का, वो हम कार पे कवर करेंगे। उसके बाद देन वहाँ पे पहुँच के 1.5 घंटा आगे और बेस कैंप तक ट्रैक होगा। तो मतलब ऑल इन ऑल 3 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे। Okay. Let's see.
वी साइंड रिस्क एग्रीमेंट एंड मेट संजय भैया। और फिर यहाँ से पहले 1.5 घंटे का रास्ता हमने बाई कार कवर किया जो काफ़ी स्टीप था। एंड देन कुछ देर बाद हम पहुँचे द प्लेस जहाँ से शुरू हुआ हमारा ट्रैक टू द नाग टिब्बा बेस कैंप ऑन फुट। वेल, हर ट्रैकर की तरह हमारी भी शुरुआत ऐसे ही हुई, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ जॉय। और मैंने तो 6 महीने से जिम भी कर रखा था, मेरे लिए तो ये होने वाला था बाएं हाथ का खेल ऑब्वियसली, बट देवियों सज्जनों दिस वाज मी जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स इनटू ट्रैकिंग। देख रहे हैं जैसे पार्क में टहल रहे कोई ज़्यादा ना पियो, थोड़े में ही फुस हो गया। आराम से ले ले, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। देखो भाई, ट्रैक डिफिकल्टी का तो ऐसा है कि फिटनेस पर डिपेंड करता है सबकी अपने अपने, है ना। सबसे जरूरी कूड़े के जिम्मेवार आप खुद हो। हाँ, गंद फैलाओगे तो तुम फेंक दिए जाओगे, सीधी बात है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कार्डियो करना ज़रूरी है। तेरा स्वेट तो इतना सारा कि पानी गिर, अरे पानी गिर गया था थोड़ा सा तो लोगों को ड्राम इतना ये तो थोड़ा पानी है, वो पसीना भी बहुत आया, बहुत सारा मिल रहा है। भैया छोड़ के भाग चुके हैं, छोड़ के भाग चुके हैं, हम तीनों यहाँ रह चुके हैं हमारा कट चुका है, हम सोच रहे हैं रात कैसे काटनी है, पैसे लेके भैया हो गया गोली। भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे बातें करते करते बातों में बला गए उनको। संजय भाई हेलो भाई, नो रिस्पॉन्स। हम तो घूम गए थे भाई, हमें तो लगा अब हम क्या होगा हमारा। जाकिर खान वन सेट, मजे जगह से थोड़ी ना आते हैं, मजे तो भाई लोगों से आते हैं। बस ऐसे ही मजे करते करते 2 घंटे निकल गए और हम पहुंच गए टू द नाग टिब्बा बेस कैंप। पीक देख ही लिया कितना सुंदर था ये, काफ़ी पीसफुल जगह पे है कैंप साइट, काफ़ी सही जगह पे है, मतलब एकदम पूरी वैली दिख रही है चारों तरफ, वैली के एकदम बीचों बीच यहाँ पे क्या बोलते हैं टेंट्स लगा रखे हैं और एक टॉयलेट वाला टेंट लगा रखा है। अभी स्नैक्स करेंगे, फिर उसके बाद डिनर बॉनफायर है एंड देन फिर सो जाएंगे। और सुबह 3 बजे से निकलना शुरू होंगे, 3 से 4, 4:30 बजे तक निकलेंगे, तो मिलते हैं बॉनफायर। वहाँ का जो पानी है अच्छा, वो आपके तरह आप हाँ जो दिखाई दी वहाँ का पानी है आपको एकदम खून की तरह दिखाई देगा। उसमें राक्षस था, ये क्रिमिन राक्षस जिसका वध करा था मासूदोता ने, रुपिन वास में हड्डियां निकलती है, हड्डियां निकलती है वहाँ पे। भाई साहब ऐसा है कि वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ से लेकर वो घर है ना जहाँ निकले वहाँ तक मतलब बड़े बड़े सांप के टुकड़े हैं जो कि आज पत्थर में तकदील हुए। अगर वहाँ पे आप थूकते हो या फिर आप पेशाब करते हो, कुछ गंदी चीज करते हो ना, तो वहाँ साक्षात आपको ना के दर्शन होंगे। बहुत ज्यादा पवित्र हैनोल मंदिर में क्या है कि कंचे है, भीम के कंचे है बड़े बड़े,
आप इतने इतने होंगे, अगर आप सच्चे मन से उठाओगे तब आप आराम से उठाओगे। अगर अगर आपके मन में आया ना अरे इतना सा गोल है भाई साहब नहीं उठा पाओगे। द ग्रेट खली आया था सन 2009 में, उस टाइम मेरी ड्यूटी थी, तो खली के ना हाथ दब गए, वो नहीं उठा पाया। फिर एक 7 साल की बच्ची ने उस पत्र उठा के साइड में रखा, घमंड नहीं चलता। और अगर उसमें जाओगे ना कुम बैंड में तो आपको आज भी वो सांप दिखाई देंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े। मॉर्निंग, अभी जस्ट उठे, बस तो 3:30 बजे निकलना था मैं समिट के लिए, बट लेकिन मौसम हो गया थोड़ा सा ख़राब, हल्की सी बारिश हो गई यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत ऐसे बूंदे ही गिरी थी, बट लेकिन भैया बता रहे पीक पे ऐसे माउंटेन्स पे वहाँ पे जैसे चारों तरफ यहाँ क्लाउड जो रखा ना, तो पीक पे पूरा एकदम वो हो रखा है, क्या बोलते हैं, बारिश हो रखी है। भैया कह रहे पूरा स्लिपरी होगा, तो वेट करते हैं। वेट करते करते 2 घंटे हो गए, 5:30 बज चुके हैं, मॉर्निंग होगी ऑलरेडी। हियर आर द टेंट्स एंड दिस इज ओके, दिस द पोर्टेबल टॉयलेट। इनकन्वीनियंट होता है काफी, किधर था ठीक है भाई, यहाँ पे आप वो ना देखो क्या एक फेक कर सकते हैं, यहाँ पे काम मतलब पूरा होना चाहिए, वही काम पूरा होना चाहिए कंफर्ट के लिए, मैं ये बात बता रहा हूँ। लोगों के ट्रैक के बिहाइंड द सीन्स भी पता होना चाहिए, वही भाई दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब पता नहीं होता है, इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि इसमें ऐसा होल्ड अप करना पड़ता है नीचे, देन यू डू योर थिंग, उसके बाद फिर ऐसा होल रखना पड़ता है, एंड देन यू मूव द टेंट टू नेक्स्ट प्लेस, ऐसा तो ठीक है बट नॉट वेरी हाइजीनिक, क्योंकि यहाँ तो एक दिन का था तो मैं तो यूज़ नहीं किया, बट लेकिन पार्स वगैरह ने यूज़ किया था। ये वो जो पीक है ना उस तरफ वहाँ पे, मतलब इसके ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो पहाड़ की रेंज है, इसके पीछे भैया ने बताया इसके बैक साइड पे पीछे की तरह, मतलब इसी रेंज में पड़ता है वो जो समिट है नागटिब्बा का, तो बस वही उसी का ही देखते हैं, जाएंगे शुरू करेंगे एक बारी, देन विल सी। ऑनेस्टली दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस आई हैव एवर बीन एट। वीडियोस में जिस पहाड़ों के सुकून की लोग बात करते हैं ना, दिस वाज एग्जैक्टली दैट। So just after breakfast of one bowl of dalia, we were ready to begin our trek to the summit. सक्षम कोई ऑन द स्पॉट शायरी, कोई भी कुछ भी, कोई भी जो भी हो, पुरानी हो बता। सुनो हाँ, कि झुकाने पे आओ तो आसमां झुका भी करता है, इश्क वो जुर्म है जो शादीशुदा भी करता है, और उसकी यादों ने आंखों की चमक छीन ली है। अरे वाह, कि उसकी यादों ने आंखों की चमक छीन ली है, और ये बावले लोग समझते हैं कि नशा करता है। So consistently 4 घंटे sweat breaking trek करने के बाद हम finally पहुंच गए नागटिब्बा temple, जो एक नाग देवता का मंदिर है near the peak of the mountain. Let's have a look at it. और ऐसे पास में आके कैमरे के बगैर, guys ये जो लोग पीछे आ रहे हैं ना, इनसे चला नहीं जाता। Oh,
नागटिब्बा टेम्पल में मत्था टेक लिया। अब यहाँ से एक डेढ़ घंटा ऊपर और है समिट, पहले हम कैंटीन में अच्छी रिफ्रेशमेंट लेंगे, हाँ थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे, एनर्जी रिस्टोर होगी, फिर एक डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट पीक समिट बस। बस यहाँ से चलने के बाद ट्रैक टू द समिट इज़ वेरी स्टीप, सो हमें डेढ़ घंटे लगे पीक पर पहुँचने में, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्किप टू द फाइनल गुड पार्ट, शैल वी। पारस पीक पे आ गए, पीक पे आ गए हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ट्रैक बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जितना आइसोलेटेड हम चाहते थे ट्रैक उतना ही था। सिर्फ सात लोग, ओवर क्राउडिंग ही था और अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पे फूल मिले हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी मिली भाई। ट्रैक सफल यार, पीक देख के काफी खुशी हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं और आधा घंटा सोच रहा था, जब दिखा ना तो काफी खुशी हुई। और आधा घंटा 10:30 तक चलते हैं वही। सबसे अच्छी एक बात है कि हमने प्लास्टिक बिल्कुल नहीं फेंका और जो थोड़ा गंदी फैलाया मिला, बड़े बड़े प्लास्टिक बॉटल जो हमने उठाई, और ये वाली बिस्लेरी किनली की बॉटल हमने गांव बिल्कुल पंतवाड़ी से खरीदी थी ना, गाँव से पंतवाड़ी। दोबारा देख सकते हैं हम सक्षम के बैग में डाल रहे हैं, वेस्टेज बिल्कुल नहीं, कम से कम उत्तराखंड को हम हिमाचल नहीं बनने देंगे। हाँ, हिमाचल को बहुत गंद फैला दिया लोगों ने, तो इस चक्कर में पीक पे पहुंचने की खुशी में सक्षम भाई कुछ एक शायरी हो जाए, एक शायरी बहुत सही, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाए, वो भी पता चलना चाहिए आर्टिस्ट नॉर से। हाँ, अब तो रिकॉर्डिंग चल रही है, सक्षम कैमरे के सामने ना नहीं कर सकते, तो करना पड़ेगा अभी यार, ऐसे कोई भी कुछ भी अच्छा था। अरे अच्छा सा इतने हैं, वो सोच रहा है कि कौन सी बोलूं कौन सी अच्छी वाली। 2000 years later 2000 साल बाद इन इन महान वादियों में एक शेर सुनो, चलो बहुत बढ़िया शेर याद आया मेरी, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। नाइस। और हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिधर से गुजरेंगे उधर से रास्ता हो जाएगा। वाह 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 वाह, और जो बिल्कुल सच्चा है, अच्छा इससे ज्यादा सच्चा कुछ नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, और सब पे हमारी उम्र वालों के लिए सब पे लागू होता है कि ऐसे था कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। और कितनी मासूमियत से मुझसे जिंदगी ने कहा कि कितनी मासूमियत से मुझसे जिंदगी ने कहा तू नहीं है मेरा तो कोई दूसरा हो जाए। सो यू नो, नागटिब्बा के पीक पर पहुंचकर एक बात तो रियलाइज हो गई कि यहाँ पर आकर आपको नाग देवता के दर्शन हो या ना हो, विल डेफिनेटली फाइनल इल मोर पीस विद योर सेल्फ। आई वॉज नेवर मोर हैप्पियर टू क्लाइंब अ माउंटेन Than I was in these 2 days. तो नागटिब्बा का सफ़र तो बस यहीं तक था, पर एक कहानियाँ जिन्हें ढूंढते हुए हम अलग अलग जगहों पर पहुँच जाते हैं वो तो अभी बहुत सारी बाकी हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी में, अब तक के लिए टाटा, हैव अ ग्रेट डे।